दोस्तों, हम सब लोग बाइक या कार चलाते हैं, लेकिन हम सबको सभी ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स के बारे में नहीं पता होता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी ट्रैफिक साइंस के बारे में और उनके मीनिंग के बारे में जान जाएंगे, और ये आपको जानना भी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, ट्रैफिक साइन बोर्ड्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला, रेगुलेटरी साइन बोर्ड्स, जो आपको गाड़ी चलाने के लिए इंस्ट्रक्शंस बताते हैं। दूसरा, कॉशनरी साइन बोर्ड्स, जो आपको आगे रास्ता कैसा है उसके बारे में बताते हैं। और तीसरा, इन्फॉर्मेटिव साइन बोर्ड्स, जो आपको किसी भी होटल, पेट्रोल पंप के आने की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेगुलेटरी साइन बोर्ड से। सबसे पहला जो रेगुलेटरी साइन बोर्ड है वो है ये, इसे स्टॉप साइन कहते हैं। जब सिग्नल पे आपको ये साइन दिखाई देता है तो आपको रुकना होता है। इसे गिव वे साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आपको राइट साइड ड्राइवर को आगे जाने की जगह देनी है। इसे नो एंट्री साइन कहते हैं, जिसका मतलब है कि इसके आगे रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और आपको इस रास्ते पे आगे नहीं जाना है। इसे वन वे साइन कहते हैं, जिसका मतलब है कि आगे आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में गाड़ी चलानी है। इसे व्हीकल्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस साइन कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये एरिया ब्लॉक है और यहाँ किसी भी डायरेक्शन में व्हीकल को नहीं ले जाना है। इसे राइट टर्न प्रोहिबिटेड साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आपको यहाँ राइट टर्न नहीं लेना है। इसे लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड साइन कहते हैं, इसका मतलब है आपको यहाँ लेफ्ट टर्न साइन नहीं लेना है। इसे यू टर्न प्रोहिबिटेड साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आपको यहाँ यू टर्न नहीं लेना है, यानी रिटर्न नहीं लेना है। इसे ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आपको यहाँ किसी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना है, क्योंकि इसमें खतरा हो सकता है। इसे हॉर्न प्रोहिबिटेड साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आपको यहाँ हॉर्न नहीं बजाना है। इसे नो पार्किंग साइन कहते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ आपको अपनी गाड़ी पार्क नहीं करनी है। इसे स्पीड लिमिट साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आपको यहाँ इस स्पीड से ज़्यादा तेज गाड़ी नहीं चलानी है। इसे कंपलसरी टर्न लेफ्ट साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आपको आगे लेफ्ट टर्न ही लेना है। इसे कंपलसरी टर्न राइट साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आपको आगे राइट टर्न ही लेना है। इसे कंपलसरी अहेड और टर्न राइट साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आपको या तो सीधा जाना है या राइट टर्न लेना है, इसमें आपको लेफ्ट टर्न नहीं लेना है। इसे कंपलसरी अहेड और टर्न लेफ्ट साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आपको या तो सीधा जाना है या लेफ्ट टर्न लेना है, इसमें आपको राइट टर्न नहीं लेना है। इसे कंपलसरी साउंड हॉर्न साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आपको यहाँ ट्रैफिक या लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। अब जानते हैं कॉशनरी साइन बोर्ड्स, यानी चेतावनी वाले साइन बोर्ड्स को, जो आपको रास्ता कैसा है उसके बारे में बताते हैं, जिससे कि आप गाड़ी संभल के चला सकें। तो जो सबसे पहला कॉशनरी साइन बोर्ड है वह ये, इसे राइट हैंड कर्व साइन कहते हैं, जिसका मतलब है कि आगे राइट हैंड कर्व या दाएं हाथ पे मुड़ाव है, तो आपको गाड़ी स्लो चलानी है, जिससे आप आराम से टर्न ले सकें। इसे लेफ्ट हैंड कर्व साइन कहते हैं, जिसका मतलब है कि आगे लेफ्ट हैंड कर्व या बाएं हाथ पे मुड़ाव है, तो आपको गाड़ी स्लो चलानी है, जिससे आप आराम से टर्न ले सकें। इसे राइट हेयर पिन बेंड साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आगे एकदम से शार्प राइट टर्न है और आपको आपकी गाड़ी एकदम स्लो करनी है। दोस्तों, ये जो एरो दिखाया गया है वो ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा मुड़ाव है वहाँ पर। इसे लेफ्ट हेयर पिन बेंड साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आगे एकदम से शार्प लेफ्ट टर्न है और आपको आपकी गाड़ी एकदम स्लो करनी है। इसे राइट रिवर्स बेंड साइन कहते हैं, जिसका मतलब है कि आगे रोड का रास्ता राइट साइड में ऐसे जेड शेप में है और ड्राइवर को गाड़ी स्लो करके चलानी है, ताकि वो ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते पे सेफ्टी से चला सकें। इसे लेफ्ट रिवर्स बेंड साइन कहते हैं, जिसका मतलब है कि आगे रोड का रास्ता लेफ्ट साइड में ऐसे जेड शेप में है और ड्राइवर को गाड़ी स्लो करके चलानी है, ताकि वो ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते पे सेफ्टी से चला सके। इसे स्टीप एसेंट साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आगे रास्ते पर ऊपर की तरफ बड़ा चढ़ाव है, तो ध्यान से गाड़ी चलाएं। इसे स्टीप डिसेंट साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आगे बड़ा उतार है, यानी नीचे की तरफ ढलान है, तो आप ध्यान से गाड़ी चलाएं। इसे नैरो रोड अहेड साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आगे रोड बहुत पतला या छोटा है, तो आप गाड़ी स्लो करके कंट्रोल में चलाएं। इसे रोड वाइडन्स अहेड साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आगे के रास्ते पर रोड चौड़ा या बड़ा है। इसे नैरो ब्रिज अहेड साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आगे एक पतला ब्रिज है, तो आप अपनी गाड़ी संभल कर चलाएं। इसे स्लिपरी रोड साइन कहते हैं,
ये साइन एक वार्निंग के बारे में बताता है, जिसका मतलब है आप अपनी गाड़ी को स्लो कर लें और संभल के चलाएं, क्योंकि आगे का रास्ता रपटीला है। इसे लूज ग्रेवल साइन कहते हैं। ये साइन नॉर्मली पहाड़ी रास्तों पे होता है, जिसका मतलब है रास्ते में ऊपर से छोटे मोटे पत्थर गिरते हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, वरना पत्थर आपके ऊपर भी गिर सकते हैं जिससे आपको चोट लग सकती है। इसे साइकिल क्रॉसिंग साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आगे मेजर रोड पे साइकिल क्रॉसिंग का रास्ता है तो ड्राइवर को गाड़ी स्लो करके चलानी है और पहले साइकिल वाले को जाने देना है। इसे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग साइन कहते हैं। ये साइन बच्चों के रोड क्रॉस करने का साइन है और ये साइन दिखते ही ड्राइवर को गाड़ी स्लो कर देनी चाहिए या रोक देनी चाहिए और पहले बच्चों को जाने देना चाहिए। इसे स्कूल अहेड साइन कहते हैं, जिसका मतलब है कि आगे स्कूल है और आप ध्यान से गाड़ी चलाएं क्योंकि बच्चे कभी भी रोड पे आ सकते हैं। इसे मैन एट वर्क साइन कहते हैं, जिसका मतलब है कि आगे रोड पे लोग काम कर रहे हैं तो संभल के गाड़ी चलाएं जिससे काम करने वाले लोगों को कोई नुकसान ना हो। इसे कैटल साइन कहते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ रोड पे कभी भी जानवर आ सकते हैं तो ध्यान रखें और चौकन्ना रहकर गाड़ी चलाएं। इसे फॉलिंग रॉक साइन कहते हैं, जिसका मतलब है कि आगे रोड पे पत्थर गिरने की संभावना है तो आप ध्यान से गाड़ी चलाएं। इसे क्रॉस रोड साइन कहते हैं, जिसका मतलब है कि आगे दो रोड का क्रॉसिंग है तो ध्यान से दोनों तरफ देखकर गाड़ी चलाएं। इसे गैप इन मीडियन साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आगे यूटर्न लेने का ऑप्शन है, यानी आप आगे से घूमकर वापस रिटर्न आ सकते हैं। इसे साइड रोड राइट साइन कहते हैं, जिसका मतलब है कि आगे सीधे जाने का रास्ता है और राइट साइड पे टर्न लेने के लिए भी रास्ता है। इसे साइड रोड लेफ्ट साइन कहते हैं, जिसका मतलब है कि आगे सीधे जाने का रास्ता है और लेफ्ट साइड टर्न लेने के लिए भी रास्ता है। इसे वाई इंटरसेक्शन साइन कहते हैं, जिसका मतलब है कि आगे दो रास्ते हैं जो इस शेप में हैं, तो आप अपना रास्ता डिसाइड कर लें कि आपको किस रास्ते पर जाना है। इसे स्टैगर्ड इंटरसेक्शन साइन कहते हैं। इस साइन का मतलब है कि आगे सीधे रास्ते पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे लेफ्ट और राइट टर्न है। इसे टी इंटरसेक्शन साइन कहते हैं। इसका मतलब है कि आगे से आपको या तो लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड जाना है, क्योंकि आगे सीधा रास्ता नहीं है। इसे मेजर रोड अहेड साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आगे क्रॉस रोड यानी चार रास्ता है तो आप अपनी गाड़ी स्लो कर लें और ध्यान से चारों तरफ देख के आगे बढ़ें। इसे राउंड अबाउट साइन कहते हैं। इस साइन का मतलब है कि आप यहां से घूमकर रिटर्न आ सकते हैं और ये रोड क्रॉस करने का एक ऑप्शन है। इसे डेंजरस डीप साइन कहते हैं, जिसका मतलब है कि आगे सड़क पे थोड़ा खड्डा है तो आप थोड़ा संभल कर गाड़ी चलाएं। इसे हम्प और रफ रोड साइन कहते हैं, जिसका मतलब है कि आगे उबड़ खाबड़ सड़क है तो आप गाड़ी संभल कर चलाएं। इसे अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग साइन कहते हैं और इस साइन का मतलब है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है जहां कोई गार्ड या गेट नहीं है तो आप ध्यान से देखकर गाड़ी चलाएं। इसे गार्डेड लेवल क्रॉसिंग साइन कहते हैं, जिसका मतलब है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है जहां गार्ड भी है तो आप गार्ड के सिग्नल को देखकर गाड़ी चलाएं। अब जानते हैं इन्फोमेट्री साइंस के बारे में। इसे पब्लिक टेलीफोन साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आगे पब्लिक टेलीफोन की सर्विस अवेलेबल है तो अगर आपके पास फोन नहीं है तो आप वहां से कॉल कर सकते हैं। इसे पेट्रोल पंप साइन कहते हैं, जिसका मतलब है कि आगे पेट्रोल पंप है जहां आप पेट्रोल या डीजल भरवा सकते हैं। इसे हॉस्पिटल साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आगे हॉस्पिटल है, इनकेस आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो यहाँ अपना चेकअप करवा सकते हैं या दवाई ले सकते हैं। इसे फर्स्ट एड पोस्ट साइन कहते हैं, जिसका मतलब है कि आगे फर्स्ट एड सर्विस अवेलेबल है, यानी आपको कुछ छोटी मोटी चोट लगी है या सर्दी जुकाम है तो आप यहां से उसकी दवाई ले सकते हैं। इसे ईटिंग प्लेस साइन कहते हैं, जिसका मतलब है कि यहां ढाबा या रेस्टोरेंट है जहां आप खाना खा सकते हैं। इसे लाइट रिफ्रेशमेंट साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आगे नाश्ता पानी करने की फैसिलिटी है। इसे नो थ्रू रोड साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आगे रास्ते का कोई एग्जिट नहीं है। इसे नो थ्रू साइड रोड साइन कहते हैं, जिसका मतलब है कि आगे कोई साइड से सड़क नहीं है तो अगर आप ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो आगे से निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है तो आप सोच समझकर आगे जाएं। इसे पार्क दिस साइड साइन कहते हैं, जो ये बताता है कि आपको गाड़ी इस साइड पार्क करनी है। इसे पार्किंग स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल साइन कहते हैं, जो ये बताता है कि ये बाइक या स्कूटर्स की पार्किंग की स्पेस है और आप यहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इसे पार्किंग लॉट साइकल्स साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आप यहां अपनी साइकिल पार्क कर सकते हैं। इसे पार्किंग लॉट कार्स साइन कहते हैं, जिसका मतलब है आप यहां अपनी कार पार्क कर सकते हैं। और जो आखिरी साइन है वो है ये।
इसे रेस्टिंग प्लेस साइन कहते हैं, जिसका मतलब है कि आगे ठहरने के लिए होटल है जहां आप आराम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सभी टाइप के ट्रैफिक साइंस के बारे में बताया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सा ट्रैफिक साइंस सबसे ज्यादा कॉमन दिखाई देता है। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी ट्रैफिक साइंस के बारे में पता चल सके। सब्सक्राइब।